हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एनुअल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का एक मॉडल पेपर। आप जान सकते हैं इससे किस तरह के प्रश्न जो कि आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सेम टू सेम आपको जो है फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के साथ मैच करेगा। जैसे कि आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक उसी प्रकार ये सारे प्रश्न जो है सेट किए गए हैं। इसमें समय जो आपको रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और मार्क्स जो रहेगा फुल मार्क्स सबको पता है, 100 मार्क्स का रहेगा। और इसमें आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो है 1 से लेकर 60 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से 50 प्रश्न का ही आंसर देना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को आप लोग अगर पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो आपकी 50% जो ऑब्जेक्टिव है यहीं से कवर हो जाएगी। सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही मेहनत से, बहुत ही गिन चुन के और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा इस पेपर को तैयार किया गया है। सो रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखें, सारे क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया है, तो बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काठमांडू। ठीक है, 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था आपका काठमांडू में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। ये क्वेश्चन 2011-2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी। और साथ ही साथ 2020 और 2020 के मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो फाइनली इसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका यूथान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव जो थे वो थे यूथान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऑप्शन देख लीजिए। विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना, कमजोर या छोटे राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, या फिर कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए। और फाइनल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो सभी जो शर्तें हैं बिल्कुल सही जा रही है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। और बिल्कुल डेफिनेटली सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। अंग नहीं की बात करें तो यूनिसेफ जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। फिलहाल आप लेके जानकारी बता दें, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये तीनों जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, इसलिए यूनिसेफ आपका अंग नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग एप्लीकेशन पे इसको देख रहे हैं, इस कोर्स को अधिक से अधिक शेयर करें। और साथ ही साथ जो भी अभी तक लाइक नहीं किए इसको लाइक करें। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित जो हुए थे वो कौन से लोग हुए थे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट, क्या आंसर होगा। तो डिफरेंट से क्या आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर ए गरीब लोग जो है सबसे अधिक जो है प्रभावित हुए थे वैश्वीकरण की नीति से। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है। फटाफट देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उदारवाद। बिल्कुल डिफिनेटिस आंसर चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए उदारवाद। वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा संबंधित है, उदारवाद। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को क्या कह रहा है, देखिए भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। तो फाइनल जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उदारवाद, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है, करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, मौलिक अधिकार, मतलब भारतीय नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हुआ था वो क्या क्या हुआ था।
मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार या फिर जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, तो डेफिनेटली सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को होना चाहिए। उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे कह रहा है हम लोग को, समवर्ति सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 47। कितने हो जाएंगे? 47। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे कह रहे हैं हम लोग को, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो इनमें से किसको है? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्र के पास है। किसके पास है? केंद्र के पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, संविधान संशोधन की प्राप्ति का वर्णन जो किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 368 में किया गया। ऑप्शन बी याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 368 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो डेफिनेटली सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों के माध्यम से, सॉरी मौलिक अधिकार नहीं हुआ यहाँ पे, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के माध्यम से करता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार विविध कल्याणकारी जो योजना लागू करता है वो राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों के माध्यम से। क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन पे, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो माउंटबेटन योजना की बात करें तो इसका संबंध जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारत का विभाजन से। डेफिनेटली सभी का आंसर करेक्ट आंसर आना चाहिए, भारत का विभाजन संबंधित है माउंटबेटन योजना का, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, भारत के विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्ययन निम्न में से किसे बनाया गया है? तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, तो ऑप्शन जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, वाइस राय को। 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो वाइस राय को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? किस दल ने दिया था? वो दिया था आपका कांग्रेस पार्टी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? 1977 में भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी वो जनता पार्टी में विलय हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो पार्टी का गठन किया था वो था संयुक्त समाजवादी दल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? संयुक्त समाजवादी दल। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को कि गांधी जी, गांधीवादी जो है समाजवाद की स्थापना करना, इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, गांधीवादी समाजवादी की स्थापना करना, इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? आंसर का स्वतंत्र पार्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो डेफिनेटली सभी को पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोगों को कि पीली क्रांति के जो नाम से जाने जाते हैं वो किसे जाने जाते हैं? ध्यान देंगे, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए, तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए तिलहन उत्पादन से जो है पीली क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन कर हम लोगों को, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी को पता होना चाहिए, श्वेत यानी सफ़ेद, जिसको हम कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन का संबंध जो है वो किससे है? तो दूध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी भारत के गुजरात से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, और ये आप सभी को याद होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है उसको हम कहते हैं वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्गीज कुरियन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोग को, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट कब जो है प्रक्षेपित हुआ था?
तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1975 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम जो कब परीक्षित हुआ था वो हुआ था 1975 को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचय है। इस क्वेश्चन का होगा अमेरिका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग को, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था। तनाव शैथिल्य का दौर हुआ था 1970 के बाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1970 के बाद। कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था वो नेहरू था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा देश के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों को, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो भारत डेफिनेटली इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस सिंडिकेट क्या है। कांग्रेस सिंडिकेट क्या है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस मंत्रियों के समूह को कांग्रेस सिंडिकेट कहते हैं। सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा, कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह, यही होगा ना। हाँ यही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन बी होगा, कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह को हम कांग्रेस सिंडिकेट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर लोगों को, कांग्रेस पार्टी कब दो खेमों में बटी थी। काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है और देख पा रहे हैं क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। 1969 ऑप्शन नंबर बी, जो कि कांग्रेस के विभाजन के भी नाम से जाने जाते हैं इसको, और अक्सर पूछा जाता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1969 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। ये जगह 1971 के आम चुनाव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि पंचशील समझौते के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंचशील समझौते के समय चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाओ इन लाई। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था उस समय प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था ताशकंद में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि इंदिरा हटाओ किसका नारा है, इंदिरा हटाओ किसका नारा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, विपक्षी गठन का जो है गठबंधन का जो नारा था इंदिरा हटाओ। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था। इसका निधन हुआ था 1967 में, ऑप्शन बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत में प्रारंभ हुआ था। तो नक्सलवादी जो आंदोलन हुआ था वो भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवाद नामक दल जो है नए दल का निर्माण हुआ था। ये हुआ था आपका चारू मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते कह रहा है कि रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल हुई थी कब हुई थी। तो ये जो हड़ताल हुई थी ये हुई थी 1974 को, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है। ये होता है निजी क्षेत्र का, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, निजी क्षेत्र का। चलिए अगले क्वेश्चन कर हम लोग को, भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता जो है क्यों पड़ी। भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी थी कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो पड़ी थी भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि लोक लेखा समिति में होते हैं, लोक लेखा समिति में जो होते हैं 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर आपको स्क्रीन पे, रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय व्यापारी हड़ताल का नेतृत्व जो है किसने किया था। ये किया था आपका जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, जॉर्ज फर्नांडिस। चलिए अगला क्वेश्चन कर आपके स्क्रीन पे, रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल कितने दिनों तक चला था। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 दिनों तक, 20 दिनों तक चला था रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल। अगले क्वेश्चन कर आप लोग को, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। एंड मोस्ट लाजवाब क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, इसमें से मुझे मध्य प्रदेश लग रहा है, पता नहीं उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल इसको हम हॉल में रखते हैं। अगला क्वेश्चन कर हम लोगों को, चिपको आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1973,
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन माने जाते हैं, एंड डेफिनेटली सभी को पता होगा ये जो हो जाएगा आपका संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप में से काफ़ी का कन्फ्यूज होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा को, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के संस्थापक नहीं थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन संस्थापक जो थे चंडी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, चलिए इन्होंने जो आगे बढ़ावा किया इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते कराएंगे हम लोग को चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो यहाँ पे जो है सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा भी थे, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, गौरी देवा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट करें कि द्रविड़ आंदोलन जो है किस प्रकार का आंदोलन था, तो द्रविड़ आंदोलन जो था आपका हो जाएगा क्षेत्रीय आंदोलन था। किस तरह का आंदोलन था, ये क्षेत्रीय आंदोलन था। नेक्स्ट करें कि आंदोलन जो निम्नलिखित में से किसके मिल में शुरू किया गया था, आंदोलन निम्नलिखित में से किसके मेल में शुरू किया गया था, आंसर होगा आपका रामास्वामी नयाकर पेरियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको क्वेश्चन कराया कि द्रविड़ मुनेत्र करगम के संस्थापक कौन थे, ये हो जाएगा आपका सैयद अन्नादु, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सौ अन्नादु है पे। चलिए अगला क्वेश्चन कराया हमको ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है कब किया गया था, ये किया था 1984, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहला कि जनता दल जिसको हम यूनाइटेड कहते हैं किस राज्य की पार्टी है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिहार। डेफिनेटली सभी को पता है आप लोग बिहार से होंगे, तो जनता दल जो है बिहार की पार्टी है। ठीक है, इसकी स्थापना जो की थी जयप्रकाश नारायण ने की थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने की थी जनता दल की स्थापना, और ये बिहार की पार्टी है और सबको पता है अभी बिहार में फेमस लगभग है ये। कह रहा है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों की विजेता मिली थी, इस क्वेश्चन का होगा 415 सीटों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे वो हो जाएगा आपका कांशीराम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो है किस राज्य का राजनीतिक दल है, तो याद रखिएगा तृणमूल कांग्रेस यह जगह पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो हमने यहाँ तक पॉलिटिकल साइंस के 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको कवर किए हैं, जो कि एक बिहार बोर्ड मॉडल पेपर के बेस पर आधारित है, और ये सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी याद रखिएगा, एनसीईआरटी बेस पर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लिए हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का होने वाला है इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो कि आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे शेयर कर दें, आप लोग जो भी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। मिलते हैं अगले इसी तरह के नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।